Hello everyone, welcome to my YouTube channel Paaris Learning. In today's video we are going to discuss the major feature or elements, or we can say the techniques of Brechtian dramatic work with the references. So let's proceed. So हमारे पास जो ब्रेक्ट है, he is considered as one of the most significant German play writer था वो, ठीक है. उसके जो प्लेस थे have had a great effect in the late 20th century. उसके जो प्लेस का जो है वो late 20th century के ऊपर बहुत great effect है because of his political themes. उसने जिन political themes को discuss किया और उसका theoretical structure, ठीक है, बिकॉज उसका theoretical जो structure था वो पहले के जो structure से उसके against था, ठीक है. ब्रेक्ट वॉज अगेंस्ट द अरिस्टोटलियन ड्रामा ट्रेडिशंस एंड चैलेंज दिस मॉडल. ब्रेक्ट जो था वो हमारे पास जो अरिस्टोटल का एक ड्रामा ट्रेडिशन थी जिसका जो स्ट्रक्चर उसने बताया था उसके अगेंस्ट था और उसने इस मॉडल को चैलेंज किया था. अब अरिस्टोटल का जो ड्रामा स्ट्रक्चर था उसने अपनी एक जो इम्पोर्टेंट वर्क है पोएटिक उसमें कहा कि ड्रामा जो है ये तभी सक्सेसफुल होता है कि जब वो पिटी और फियर की जो फीलिंग्स हैं वो ऑडियंस में क्रिएट करे, उसमें रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून भी हो. लेकिन ब्रेक्ट जो था वो इस मॉडल के अगेंस्ट था, ठीक है. अब देखेंगे कि वो किस तरह अगेंस्ट था, उसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सो ये जो हमारे पास मेजर फीचर्स हैं ऑफ ब्रेक्टियन ड्रामेटिक वर्क, सो हम इन सबको डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सो सबसे पहले फीचर जो हमारे पास है वो है अलाइनेशन इफेक्ट का. In order to encourage the audience to think rationally and realistically, he used the method of alienation. ऑडियंस को रैशनली सोचने पर मजबूर करने के लिए और रियलिस्टिकली जो है वो सोचने के लिए उसने इस मेथड को यूज़ किया. द अलाइनेशन इफेक्ट इज़ यूज्ड टू डिस्टेंस एंड डिस्ट्रैक्ट द ऑडियंस फ्रॉम व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द स्टेज एंड हेल्प देम टू थिंक क्रिटिकली एंड एनालाइज इट एंड मेक अ जजमेंट. यहीं से देखें वो जो अरिस्टोटल की जो ट्रेडिशन थी ड्रामा की कि ऑडियंस जैसे ही जो है वो ऑडियंस करेक्टर्स को देखे उनमें भी वो फियर और पिटी क्रिएट हो जाए. तो यहाँ पर अलाइनेशन इफेक्ट उसने इसी वजह से यूज़ किया ताकि ऑडियंस जो है वो डिस्ट्रैक्ट रहे कि जो कि स्टेज पर हो रहा है और वो खुद इटसेल्फ जो है वो क्रिटिकली एनालाइज कर अपनी एक जजमेंट दे सके, ठीक है. इन अदर वर्ड्स ब्रेक्ट डिड नॉट वांट टू प्रमोट एस्केपिज्म. एस्केपिज्म होता है कि कुछ वक्त के लिए डिस्ट्रैक्शन हो जाना. ब्रेक्ट ये नहीं चाह रहा था कि ऑडियंस जो है वो एस्केपिज्म को जो है वो एस्केपिज्म की तरफ जाए, ठीक है. He wanted that their brains could think rationally and could question the need for social and political change. वो चाहता था कि वो रैशनली सोचें और क्वेश्चन करें कि सोशल और पोलिटिकल चेंज के लिए, ठीक है. सेकंड हमारे पास आता है प्रिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्टाइल. ब्रेक्ट यूज्ड द प्रिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्टाइल्स. हिज ड्रामास वर प्रिस्क्रिप्टिव. वो प्रिस्क्राइब्ड करते थे चीज़ों को, ठीक है. हिज ड्रामास गिव सॉल्यूशंस. उसके ड्रामा हमें सॉल्यूशंस देते थे. ब्रेक्ट वॉज इंटरेस्टेड इन पोलिटिकल थीम्स. वो पोलिटिकल थीम्स के अंदर इंटरेस्टेड था. His context of writing was quite clear and his writings were the response to the fascism. उसकी जो writing थी वो बहुत clear होती थी और ये जो था a kind of response भी थी वो fascism की, जो कि हमारे पास हिटलर की थ्योरी थी, हिटलर थी, जिसमें ये होता है fascism एक्चुअली में ये वो एक वे है ऑर्गेनाइजिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो रूल करती है. डिक्टेटरशिप डिक्टेटर्स के जरिए रूल की जाती है और जो हमारे पास लोग जो होते हैं उनको अलाउड नहीं होता कि वो किसी बात पर गवर्नमेंट से डिसएग्री कर सके, ठीक है. आप कह सकते हैं कि ये बड़ी वर्स्ट किस्म का अथॉरिटेटिव एक हमारे पास सिस्टम है. ही वॉज इंटरेस्टेड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ सोशलिज्म. ब्रेक्ट बिलीव दैट एवरीवन इज इक्वल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट शेयर्स द लैंड एंड रिसोर्सेज वुड मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. ब्रेक्ट जो था इस चीज़ पे बिलीव करता था कि कोई भी इंसान है वो सब इक्वल है और हर जो है बंदा वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर एवरीथिंग दैट शेयर्स द लैंड एंड रिसोर्सेज. जो है वो एक जब आप सब मिलके एक चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, जब सब ही रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए, तो देन जो है एक वर्ल्ड जो है एक बेटर प्लेस बन सकती है. जैसे कि अगर हम उसका प्ले देखें कॉकेशियन चॉक सर्कल, उसने अपने प्रोलॉग के अंदर ही जो अपना एक बड़ा क्लियर एक आइडिया दे दिया जिसमें वो डिस्क्राइब करता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको प्रमोट करना चाहिए रदर देन हम मनी को इनकरेज करें, ठीक है. नेक्स्ट है नरेटर और सिंगर. The narrator or singer was one of the important features of his drama. The narrator describes the story and tells us what is going to happen in the story, so the audience can not very much attach to the scene. अगर हम उसकी स्टोरी कई चॉक सर्कल को देखें तो उसने अपने स्टार्ट प्रोलॉग के अंदर ही हमें स्टोरी ऑलमोस्ट बता दी हुई है, ठीक है. देन तो ताकि क्यों बताइए, ताकि ऑडियंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा सीन्स के साथ अटैच ना हो कि छप क्या होगा, ठीक है. Also, the narration is used to remind the audience that what they are watching is just a presentation of a story. ठीक है, ताकि ऑडियंस बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स के साथ अटैच ना हो और वो जजमेंट दे सके. फोर्थ है हमारे पास जस्टिस स्टाइल. Brecht added gestus style in his dramas. The gestus style is actually the tone, facial expression or gestures of the characters that show the characters' conduct in the play. Gestus style जो होता है वो expressions हैं या फिर वो हमारे पास tone है या वो facial expression है जो कि जिससे हमें characters की conduct के बारे में पता लगता है कि अच्छा character जो है वो play में क्या करेगा. ठीक है, for example अगर हम देखें Caucasian Chalk Circle के अंदर जैसे कि जो हमारे पास फैट प्रिंस का नेम आता है हमारे सामने, इसी तरह एजेक सिटिंग ऑन द बुक ऑफ लॉ इज अ जस्टिस स्टाइल. जैसे एजेक जो है वो जब वो फैसला करता है तो वहाँ पर हमें पता लगता है कि वो बुक ऑफ लॉ के ऊपर बैठता है, तो वो कहीं ना कहीं इनके जरिए हमें एक हिडन मीनिंग भी दे रहा होता है. ठीक है, देन हमारे पास आता है डायरेक्ट एड्रेस. द डायरेक्ट एड्रेस वाज अनदर फीचर्स ऑफ ब्रेक्ट ड्रामा. इन द डायरेक्ट एड्रेस द कैरेक्टर्स मेड एन इंट्रैक्शन विद द ऑडियंस. इसमें जो है वो कैरेक्टर्स से करते हैं वो ऑडियंस के साथ एक इंट्रैक्शन रखते हैं. It is a moment when the speaker is worried and gives a direct option to the audience or try to find their thoughts. इसमें ये होता है कि अब देखिए यहीं वो पहले ही हमारे पास ब्रेक्ट ये चाहता है कि ऑडियंस ये के डायरेक्ट कैरेक्टर के साथ रिलेट करे, उनमें वो फियर और पिटी आए, वो जो हमारे पास ऑडियंस है वो रैशनली सोच सके, अपनी एक जजमेंट बना सके. और इसी उसके साथ ही हमारे पास डायरेक्ट एड्रेस का भी लिंक है जिसमें जो है वो स्पीकर जो है वरीड है और अपना एक डायरेक्ट ऑप्शन देता है, ऑडियंस के सामने रखता है और वो देखता है कि ऑडियंस की इस बारे में क्या थाट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो Caucasian Chalk Circle के अंदर जब Grusha मेड अ डायरेक्ट स्पीच विद द ऑडियंस व्हेन शी प्लीड्स फॉर माइकल, जब वो माइकल के लिए रोती है और वो कहती है कि आई ब्रॉट हिम अप, शैल आई ऑल्सो टीयर हिम टू द बिट्स आई कैंट. तो इसके अंदर ये फोर्स करते हैं कि ऑडियंस जो है वो रैशनली सोचे और वो एक जजमेंट बनाए. ठीक है, और वो देखते हैं कि ऑडियंस किस बारे में क्या थॉट्स है. ऑडियंस उस तरह ही होता है जब वो इस तरह से एड्रेस करती है तो ऑडियंस आपस में बात करते हैं कि अच्छा ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए. ठीक है, episodic structure. In Brecht's dramas, the episodic structure was followed. An episodic structure means the scenes are short and can stand alone. मतलब scenes जो है वो किसी के साथ relate नहीं करते, एक short scene होता है और वो अकेला stand करता है, next scene के साथ उसकी attachment नहीं होती. Scenes are divided into small chunks and can easily be understood by the audience. इसमें जो एक तो simple language भी use की गई होती है. Also the characters are self-contained. ठीक है, और characters जब independent होते हैं और जो audience जो उनको बड़े easily understand कर लेती है. They do not follow to the next. जैसे मैंने पहले कहा कि वो self-contained होते हैं और वो small chunks होते हैं और वो उसी टाइम खत्म होते हैं, next scene के साथ उनका रिलेशन नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल द Caucasian Chalk Circle इज एपिसोडिक बिकॉज उसके अंदर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं देखते हैं. ठीक है, देन हमारे पास लाती है सॉन्ग्स, डांस एंड म्यूजिक का. सम ऑफ द Brecht's वर्क इंक्लूड सॉन्ग्स, डांस एंड म्यूजिक. इसका क्या फायदा होता है? इट कीप्स द ऑडियंस रिमाइंडेड दैट दे आर वॉचिंग अ प्ले. वो उनको ये चीज़ को जब हमारे पास सॉन्ग्स आते हैं, डांस या म्यूजिक का कुछ इंक्लूड होता है ना, तो वो ऑडियंस को रिमाइंड करवाते, डिस्ट्रैक्ट कर देते कि अच्छा वो एक जो है प्ले वॉच कर रहे हैं. समटाइम्स द सॉन्ग्स आर कंट्रास्टेड लाइक हैप्पी पॉजिटिव म्यूजिक बट विद द डार्क लिरिक्स. ठीक है, फिर यही है कि वो इससे जब इस तरह की चीज़ें वो आप इंक्लूड करते हैं तो ऑडियंस जब वो सोचती है, वो क्रिटिकली सोचती है. अब जब सॉन्ग इस तरह से ऐड किए गए होंगे कि म्यूज़िक तो हैप्पी है लेकिन जब ऑडियंस उसके लिरिक्स की तरफ देखेगी तो लिरिक्स डार्क है, तो एक्चुअली में ऑडियंस सोचेगी अच्छा इसका मतलब क्या, वो क्रिटिकली सोचेगी ऑडियंस. ठीक है जी, सो ये हमारे पास इसके इफेक्ट थे. दिस वॉज ऑल अबाउट. थैंक यू सो मच. प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल.